नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों क्या होता है, कुछ छोटे छोटे अपडेट होते हैं बट वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी दोस्तों, बट आपको विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखना है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल के आती है अवाई वर्ल्ड की तरफ से। उसमें पहली अपडेट निकल के आती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बैन हो गए दोस्तों। यहाँ पे इनका जो अपडेट है यहाँ पे देख सकते हो, जो लेटेस्ट है यहाँ पे, ये जो 8274 अकाउंट यहाँ पे बैन किए दो दिन पहले, और आज भी यहाँ पे देख सकते हो इनके जो एंटी चीट है यहाँ पे 12,000 से ऊपर इन्होंने अकाउंट बैन किए। इनका जो एंटी चीट मैकेनिज्म है वो लोगों के अकाउंट ट्रैक कर रहा है, मतलब एक आईपी एड्रेस से एक ही अकाउंट हम बना सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक फ़ोन में क्लोनिंग कर रहे, 10-10, 12-12 अकाउंट बना रहे, या फिर एक ही ऐप में 4-4, 5-5 अकाउंट लॉग इन करके माइनिंग स्टार्ट कर रहे, तो सारे के सारे अकाउंट बैन हो गए दोस्तों। अगर आपने भी ऐसे फेक अकाउंट बनाए दोस्तों जो क्लोनिंग वगैरह करके, तो अभी के अभी फ़ोन से उस अकाउंट को हटा दो, जो आपका मेन अकाउंट है उसको ही रन करो। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा के लालच में कुछ भी नहीं मिलता है। आप ज़्यादा टोकन पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओगे और उसी अकाउंट्स पे दोस्तों साल भर मेहनत करोगे, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना डेटा लगाओगे, सब कुछ अपना वेस्ट कर दोगे, और एंड में आपको पता चल जाएगा कि अपनी सारी मेहनत पानी में चली गई है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपको ज़्यादा टोकन चाहिए तो आप प्रेफर करो, या फिर अपने घर में किसी मम्मी पापा का, बहन भाई का जो भी मोबाइल होगा उसमें आप एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकते हो, बट एक फ़ोन में एक ही अकाउंट बनाओ। इनका जो एंटी चीट मैकेनिज्म है वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है, तो जिन्होंने एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए वो तो जा ही रहे, बट आपका जो मेन अकाउंट है वो भी जाएगा। अगर आप इसको हटाते नहीं हो, जो भी आपके फेक अकाउंट है उसको जल्दी से जल्दी हटा दो। देख सकते हो 2 दिन में 20,000 से ऊपर अकाउंट बैन कर दिए इन्होंने, और जो अपनी रियल माइनिंग है उसको स्टार्ट करो, उस पर जितना मिलता है उसमें खुश रहो। तो बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है दोस्तों केक कोर की तरफ से, जो हम केक कोर में माइनिंग करते थे। अगर आपने केक कोर में माइनिंग नहीं चालू की है तो केक कोर में अकाउंट कैसा बनाना है और माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसकी भी वीडियो मैंने पहले बनाई है, आप उस पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर आई बटन पे ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसको भी जाके देख सकते हो अकाउंट कैसे बनाना है, और डेली यहाँ पे आके अपना माइनिंग जो है क्लेम करना है। तो दोस्तों केक कोर का क्या प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है, जो लॉगिन प्रॉब्लम है वो बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो आपको एक ही सोल्यूशन है उसका, यहाँ पे जो अपना 3 लाइन है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो लॉग आउट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट लॉग आउट होने के बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन कर लेना है, उसी ईमेल और पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। या देख सकते हो मैंने अपना जो ईमेल पासवर्ड यहाँ पे दे दिया और मैं लॉगिन करता हूँ, तो अपना जो भी लॉगिन का प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे एयरड्रॉप पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ये जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बस ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आप भी इसको ट्राई करना, आपका भी अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों केक कोर का जो है मेटामास्क कनेक्ट करने को बोल रहे, तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें मेटामास्क वगैरह कनेक्ट नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा मेटामास्क वगैरह कब कनेक्ट करना है, ये अभी नया नया प्रोजेक्ट है तो इसमें हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, तो हम इसमें अकाउंट नहीं कनेक्ट करेंगे हमारा मेटामास्क का। अगर जिसको मेटामास्क का अकाउंट कनेक्ट करना है वो अपना ऐसा वाला अकाउंट कनेक्ट करो जिसमें अपना फ़ंड नहीं है, या फिर उससे ट्रांजेक्शन नहीं होता हो ज़्यादातर। जो अपना मेन अकाउंट है वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगा कोई। मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ कनेक्ट करना है, कुछ उसका विड्रॉ वगैरह जो भी आता है मैं आपको उसका बताऊंगा। और इसमें केवाईसी चालू है तो आप जाके केवाईसी भी कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो हमारी अगली अपडेट है दोस्तों ओमेगा नेटवर्क की तरफ से। ओमेगा नेटवर्क का लिस्टिंग का बता दिया इन्होंने, लिस्टिंग का डेट भी आया है, कहाँ पे लिस्ट होने वाला ये भी बताया इन्होंने। ये जो ओमेगा टोकन है सबसे पहले 1 जून को लिस्ट होने वाला है, और वो पैनकेक स्वैप पे लिस्ट होने वाला है। आई होप दोस्तों कि इसका लिस्टिंग प्राइस $1 से ऊपर ही होना चाहिए। और इनका जो यहाँ पे मीटअप है इंडिया में, ऑफलाइन मीटअप है, यहाँ पे इनका जो ट्वीट है 8-9 घंटे पहले का, यहाँ देख सकते हो आप, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे इनका जो लिंक है ये भी दिया है यहाँ पे,
आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी दे देंगे ये लोग। तो आप करना चाहते हैं तो कर लो, ऐसा कोई कंपलसरी वगैरह नहीं है, जो करना चाहता है वही करो, कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा इनका। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके सारा डिटेल देख सकते हो। तो ओमेगा में बस इतनी अपडेट थी, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है दोस्तों डीबी मेटा नेटवर्क की तरफ से। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको ये डीबी मेटा का माइनिंग प्रोसेस या फिर जो भी अपडेट है वो आपको बताया था, इसमें अकाउंट कैसे बनाएं वो भी आपको बताया था। आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हो, अकाउंट कैसे बनाना है, माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो आज की अपडेट है दोस्तों, जो भी लोग इसमें माइनिंग कर रहे पहले से वो लोग जाके अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपडेट कर लो। और यहाँ पे इनका जो न्यू सिस्टम आया, यहाँ पे अपने माइनिंग पे क्लिक करते हो तो हमको ये कलेक्ट करना पड़ता था और नीचे हमको माइनिंग स्टार्ट करनी पड़ती थी। वो बाकी सब प्रोसेस ऐसा ही है, बट यहाँ पे हम जो हमारे जो टोकन है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको एक ऐड शो करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, बट आप ये ऐड देखते हो तो कुछ टोकन आपके अनलॉक हो गए। हर एक ऐड पे आपको टोकन अनलॉक हो गए आपके। अगर इसको कैंसिल करते हो तो अपना बस एक कलेक्ट हो जाएगा टोकन, बट अपने टोकन है जो अनलॉक होने थे वो नहीं हो गए। ऐसा कुछ नहीं, बाद में भी इसमें कुछ अनलॉकिंग का आएगा, बट ये जो ऐड वॉचिंग का है, हम धीरे धीरे इससे थोड़े थोड़े अमाउंट में टोकन अनलॉक कर सकते, ज़्यादा टोकन अनलॉक नहीं हो सकते इसमें से। तो मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ वॉच करके, यह देख सकते हो दोस्तों मैंने एक ऐड अभी अभी वॉच किया तो मेरे जो कुछ टोकन है यहाँ पे अनलॉक हो गए। तो यहाँ पे मैं ग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो टोकन है वो अनलॉक हो गए। तो आप इसको वॉच करना चाहते हो तो वॉच करो, वरना आप इसको कलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे तो आपका टोकन बस कलेक्ट हो जाएगा। मैं सब टोकन कलेक्ट कर लेता हूँ, यह देख सकते हो मेरे सारे के सारे टोकन अभी कलेक्ट हो चुके हैं। बस इतनी सी अपडेट थी इसमें, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। आगे कुछ भी आता है इसमें तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करके रखना। और दोस्तों मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी मेटा फ्यूरी के ऊपर, जिसमें हमने विड्रॉ लगाया था, जो लाइव विड्रॉ करके दिखाया था मैंने, उसका भी विड्रॉ मेरे को मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा मेटा फ्यूरी टोकन है यहाँ पे मुझे मिल गया। मैंने जो लगाया था आपके सामने जो 0.2 जो फ्यूरी एक्स है, मैंने यहाँ पे विड्रॉ किया था तो मुझे इसका विड्रॉ मिल चुका है। ये देख सकते हो मेरे अकाउंट में भी इसका शो कर रहा है, बट यहाँ पे इसका बैलेंस वगैरह शो नहीं करेगा क्योंकि अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है, ये अभी डेक्स पे है। बट जो एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे अभी लिस्ट नहीं है, उसको लिस्ट होने में अभी टाइम है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इसको अभी टाइम है, कोई भी इसको बाय नहीं करेगा, किसी भी थर्ड पर्सन से आपको बाय नहीं करना है। कोई भी आपको ऑफर दे सकता है कम प्राइस में ज़्यादा टोकन का, तो आप इसको बाय मत करना। अभी प्री सेल चालू इसका, तो प्री सेल में भी पार्ट नहीं लेना है आपको, अगर फ्री में देता है तो अच्छी बात है। जैसे किंग टोकन ने किया दोस्तों, हर एक विड्रॉ पे हमको $3-3 पे करने पड़ रहे। ये जो विड्रॉ लगाया था दोस्तों मैंने, वो मुझे 1-2 दिन में ही मिल गए थे, बट मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। अगर आपने भी इसका विड्रॉ लगाया है तो आप भी चेक कर लेना, आपको भी मिल गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगर कुछ भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों और भी प्रोजेक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, उसको भी ज्वाइन कर लेना जाके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।